स्वागत तो है बच्चों आपका सेल्फ स्टडी के चैनल में और आज हम एक करंट टॉपिक से रिलेटेड जो हमारी पॉलिटी के अंदर कुछ चीजों को सीखने वाले हैं कि हाल फिलहाल में संसद में क्या किया गया जैसे आपको पता है कि विंटर सीजन विंटर सेशन चल रहा है तो शीतकालीन सेशन जब चल, चल रहा है उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे अपोजिशन के द्वारा जो चुने हुए सदस्य हैं उनके द्वारा जब क्वेश्चन पूछे जा रहे थे तो उनको अस्वीकार कर दिया गया तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनने वाले हैं या फिर देखिए आज की डेट में जैसे एग्जाम हो रहे हैं तो उस एग्जाम में स्टैटिक जीके जो आती है वो करंट से प्रभावित होती है कि करंट में क्या चल रहा है तो ये लोकसभा राज्यसभा से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो चल रहे हैं तो इससे रिलेटेड आ सकते हैं तो इसका ध्यान रखना होता है तो आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि संसद में जो सदस्यों द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको स्वीकार करने के नियम क्या क्या हैं क्लियर तो देखिए जरा हाल फिलहाल में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे तो उनको कुछ क्वेश्चंस को राष्ट्र हित को देखते हुए कहता कि राष्ट्र के हित में नहीं है तो हम इन क्वेश्चंस को अस्वीकार कर रहे हैं तो क्यों नहीं है क्या नहीं है क्या रीज़न है आपने कौन से नियम ऐसे लगा दिए कि वो आपने ये बोल दिया कि वो राष्ट्र हित में नहीं है तो आप उन क्वेश्चन को अस्वीकार कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें आई हैं इसमें अब इसके अलावा देखिए दो सदन है आपको पता है एक निम्न एक उच्च जो हमारा राज्यसभा है एक लोकसभा है अब इन चीजों को आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा के जो स्पीकर हैं वो कौन है राज्यसभा के जो स्पीकर होते हैं वो भारत के वाइस प्रेसिडेंट यानी वेंकैया नायडू जी हैं अभी फिलहाल फिलहाल में और लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो हैं ओम बिरला जी तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है तो ये आपके साथ स्टैटिक जीके हो जाएगी

एक तरीके से सवाल किए जाते हैं जो सत्ता रूट जो, जो मतलब कि जो सत्ता में जो पार्टी है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपोजिशन के है द्वारा सिंपल सी चीज है ये क्लियर अब प्रत्येक प्रत्येक जो सभा बैठक होती है उसका जो पहला आर होता है पहला हार होता है उसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वेश्चन को पूछने के लिए वो मतलब रख दिया जाता है क्वेश्चन आंसर उसमें होंगे तो उसको कहते हैं हम क्वेश्चन आहार ठीक है अब राज्यसभा में कौन ले राज्यसभा में जो सभापति होते हैं और लोकसभा में जो अध्यक्ष होते हैं ये इनके पास ये पावर होती है ये अधिकार होता है कि ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा और कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा देखिए ऐसा नहीं है कि वहां पर एट ए टाइम में सदन में खड़ा होकर खड़े होकर कोई भी कहें कि भाई हाँ मुझे एक क्वेश्चन पूछना है मैं लिख के लिख कर आया हूं तो वो चीजें नहीं है आपको पहले चीजें करनी होंगी अभी इनके बारे में डिस्कस करेंगे डिस्कस करेंगे कि तारांकित और अतारंकित और अल्प सूचना वाले निजी सदस्य वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो कौन से होते हैं तो ये चीजें समझ में आ गई कि राज्यसभा में कौन सभापति और लोकसभा में लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो इनके पास पावर होती है क्वेश्चंस को एक्सेप्ट करने की कि हां ये सही है मानदंड मतलब कि जो क्राइटेरिया है उसके अंडर आते हैं नहीं आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये स्वीकार करेंगे देखिए राज्यसभा में क्या होता है कि राज्यसभा में जो नियम है 47 से लेके 50 तो उसके तहत क्वेश्चंस को स्वीकार किया जाता है कि हाँ वो कितने उनके क्राइटेरिया में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं एक तो ये लोकसभा में भी तो एक नियम ऐसे ही चलते हैं लोकसभा के जो नियम है वो फोर्टी से लेके फोर्टी है जिसके अंदर ये तय किया गया है कि हाँ इन क्वेश्चन को स्वीकार कर लेना है तो यहां पर यह चीजें अब क्वेश्चन कौन से स्वीकार नहीं किए जा सकते तो एक तो ये चीज है कि जो दोहराए जा रहे हैं इनका ऑलरेडी क्वेश्चन उनका

ये इनका जो जवाब होता है कि अब अपोजिशन यहाँ पर क्वेश्चन पूछती है और जो सामने जो सत्ता में है उसका आंसर दिया जाता है अब जब आंसर दिया जाता है तो वो मौखिक दिया जाता है सिंपल अब मौखिक के बाद पूरक क्वेश्चन का मतलब होता है कि उन्होंने कोई आंसर दिया संतुष्ट नहीं है तो उसके ऊपर एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो वो तारांकित क्वेश्चन होते हैं अतारांकित क्वेश्चन में क्या होता है कि ये इनका जो आंसर होता है वो लिखित यानी रिटर्न में देना होता है और इनके ऊपर पूरा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते यानी आपने कोई क्वेश्चन पूछा मतलब कि अपोजिशन ने कोई क्वेश्चन पूछा उधर से सत्ता ने कोई आंसर दिया गवर्नमेंट ने कोई आंसर दिया अब

उसके सदस्य नहीं होते बल्कि अलग होते हैं लेकिन इनका प्रभाव होता है इनका उत्तरदायी होता है उस चीज के अंदर कोई विशेष कार्य के लिए ये उत्तरदायी होते हैं तो इनसे क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट पूछे जाते हैं यहाँ पर क्लियर हो गया अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 75 के तहत ये अधिकार दिया जाता है संवैधानिक अधिकार है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कौन सा आर्टिकल है 75 के अंडर कि संवैधानिक अधिकार है कि जो अपोजिशन है जो चुने हुए जो वहां पर आए हुए हैं एम तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो उनको अधिकार दिया जाता है कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अब अगर ये क्वेश्चन ना पूछें तो क्या हो जाता है देखो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं तो एक तरीके से गवर्नमेंट की क्या नीतियां हैं वो जनता के सामने नहीं आ पाती वो तो फिर अपनी मनमानी ढंग से करने लग जाएंगे तो एक सिंपल सी बात है अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो जो सामने जो जो पार्टी है जो सत्ता के अंदर जो पार्टी जो गवर्नमेंट है वो ऑब्वियसली जवाब देगी उस चीज का कि भाई हाँ हम ऐसे काम कर रहे हैं इन चीज़ों को हम ऐसे आगे बढ़ा रहे हैं इस तरीके से डेवलपमेंट किया जा रहा है या फिर जो भी है महंगाई को कैसे काबू कर रहे हो बेरोजगारी को रिलेटेड क्या चीजें कर रहे हो इतनी चीजें चल रही हैं देश में उससे रिलेटेड क्या चीजें हो रही हैं तो ये सारे जो क्वेश्चन है जब पूछे जाते हैं तब गवर्नमेंट जो है वो इनका आंसर देने के लिए बाध्य है कि आपको तो आंसर देना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि आप आंसर नहीं देंगे Clear. अब ये पूछे जाना बहुत इंपॉर्टेंट है तभी इस देश में जो है वो कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट क्या कर रही है वो सारी चीजें लोगों के सामने आती रहेंगी अगर ये चीजें ना हो तो दिक्कत हो जाती है फिर तो गवर्नमेंट अपनी मनमानी ढंग से सब चीजें करती रहेंगी अब एक चीज तो ये पूछी गई कि अधिकारियों को जो आ, कहा गया है कि ये राष्ट्रीय हित में नहीं है तो एक तो इसको क्लियरिफाई करो कि राष्ट्रीय हित में क्यों नहीं है क्या रीजन है कौन से नियम के तहत आप बोल रहे हो तो वो चीज क्लियर ही करनी चाहिए तो इन्होंने वो चीज क्लियर नहीं की क्योंकि क्या होता है कि जब अस्वीकार कर लिया जाता है ना तो एक तो आरटीआई के थ्रू उससे नहीं पहुंचा जा सकता कि आरटीआई लगा दे कि हाँ मैं बताओ ऐसा नहीं हो सकता दूसरा उसे अदालत में भी नहीं ले जा सकता मतलब बहुत कठिन है उसको कोर्ट में ले जाना भी कि आपने मेरा क्वेश्चन अस्वीकार किया था मैं इस चीज को कोर्ट के अंदर मतलब कि इसमें कोर्ट कोर्ट में लेके जा रहा हूँ कि आपने मेरा क्वेश्चन स्वीकार कर दिया क्यों कर दिया आप अब कोर्ट का को जवाब दीजिए वो नहीं हो सकता वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है उस चीज़ के लिए तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं कि आप डिसाइड करिए कि राष्ट्रीय हित में क्या है क्या नहीं है तो ये एक छोटा सा सेशन था करंट में था तो इससे रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं तो आपको ध्यान रखना है कि उच्च सदन निम्न सदन इनके सभापति अध्यक्ष कौन है कैसे बनते हैं कितनी सीटें होती हैं कौन कौन है अभी फिलहाल करंट में कौन से आर्टिकल के तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को अपने स्टैटिक्स के तौर पे याद रखनी होंगी क्लियर क्योंकि एग्जाम में करंट से ही रिलेटेड चीजें आ जाती हैं होती वो करंट की मतलब आपको दिखती वो स्टैटिक स्टेटिक है, लेकिन करंट से प्रभावित होती हैं वो चीज़ें तो बस आज के लिए इतना ही था और इस वीडियो से रिलेटेड आपको पीडीएफ मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया मिलेगा टेलीग्राम चैनल का फेसबुक का पेज ग्रुप दोनों का ही तो आप जाकर वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो